शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल जहां पे चल रहा है फाउंडेशन बैच और फाउंडेशन बैच में हम डील कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करके बताएंगे सो दैट हम आज का सेशन स्टार्ट करें. और आज हम डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स कन्फेशन से. किससे डील करेंगे? कन्फेशन से डील करने वाले हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कन्फेशन क्या होता है. लास्ट सेशन में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडमिशन्स क्या होते हैं. आज हम देखेंगे कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं और इनफैक्ट कन्फेशन एंड एडमिशन में डिफरेंस क्या है. सबको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है स्टूडेंट्स? बराबर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, संडे मॉर्निंग. आज हमने संडे को भी क्लास जो है स्केड्यूल की है. अंकिता जी, प्रियांशी जी, नुपुर जी, नताशा जी, जूली जी, तेजू जी, प्रांजल जी, गॉड्स ग्रेस, मीना जी, शशांक जी, पंकज जी, शरीफ जी. यस, गुड मॉर्निंग निशान जी, सुरीता जी, सागर जी. चलिए, संडे है लेकिन हम संडे को जनरली स्टूडेंट्स लॉ फाउंडेशन की क्लास रखते नहीं है. बट ये सेशन आपको पता है इसलिए रखा गया बिकॉज हमने लास्ट मंडे को क्लास कंडक्ट नहीं की थी. एंड सिक्स डेज अ वीक तो क्लास जाएगी ही जाएगी. टाइम पे लॉ फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए कुछ और न्यू सरप्राइजेस लेके आ सके. राइट, वेरी गुड अंकिता जी, बराबर. एंड एक और इन्फॉर्मेशन की आज 10:30 बजे इस क्लास से फ्री होते ही वी विल बी कंडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वन शॉट जो कि काफी टाइम से हमने डिसाइड कर रखा है. काफी टाइम से स्केड्यूल भी आप देख पा रहे हो. एंड दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर बिहार जुडिशरी एज वेल एज अदर जुडिशियल क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए भी बराबर इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का सेशन. और कल अगले सेशन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में. सेक्शन नंबर 32, 33, इनफैक्ट सेक्शन नंबर 44 तक तो अति महत्वपूर्ण है. इन पे फोकस करके समझते हुए चलना क्योंकि स्टूडेंट्स हम जनरली इन सेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं. 45 से लेके 51 एक्सपर्ट ओपिनियन सबको आता है. कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट नॉट रेलेवेंट वो भी सबको आता है. इजी है ना, ओरल एडमिशन, व्हाट टू बी प्रूव्ड, व्हाट नॉट टू बी प्रूव्ड, ये इजी है. लेकिन ये जो हमारी 32 से स्टोरी चल के जो 44 तक चलती है स्टूडेंट्स, दिस इज जनरली वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी बोरिंग टू अंडरस्टैंड. बट वी विल मेक श्योर टू कनेक्ट इट विद अदर प्रोविजंस एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी सेक्शंस. ओके, चलो अंकित जी, देखो क्लैट अचीवर्स बैच का अभी जो आपको बैच में टाइम दिखा रहा है वही टाइम रहने वाला है. एंड इनकेस अगर कुछ रीजंस लगते हैं कि भाई आपका बैच में जो और क्लासेस वगैरह जब भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो टाइमिंग आपको वहाँ इंटीमेट कर दिया जाएगा. अभी विंटर्स का मैं आपको एडवांस में तो थोड़ा नहीं बता पाऊंगी बट यस, प्रोबेबिलिटीज यही रहती है हमेशा कि जो आपका टाइम डिसाइड कर रखा है वही रहेगा बिकॉज यू विल बी गोइंग टू स्कूल ऑल्सो. ओके क्लैट स्टूडेंट्स, चलिए गुड मॉर्निंग ममता जी, अंकिता जी, सागर जी. चलो शुरू करेंगे आज का सेशन. आज के सेशन में स्टूडेंट्स ध्यान रखना बहुत सारे एग्जांपल्स भी रहेंगे, इलस्ट्रेशंस भी रहेंगे, केस लॉ रहेंगे जिसके बिना आप क्वेश्चंस को या उस मेंस में उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, उस टॉपिक को छोड़ के नहीं आएंगे, फॉलोड बाय सम मेंस क्वेश्चन. ओके निशान जी, तो मैंने कोशिश किया कि आज मेंस के क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करेंगे. समझेंगे कि कन्फेशन का मीनिंग क्या है. हमने स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में बात की थी एडमिशन की. एडमिशन क्या होता है? एनी स्टेटमेंट विच कैन बी oral, which can be in documentary form or which can be even in electronic form which suggests an inference as to fact an issue or relevant fact. Barabar clear, this is what is meant by admission. To admission to section number 17 mein define kar rakha hai but confession is not defined. Confession Indian Evidence Act mein kya hai students? Defined nahi hai. To confession ka matlab hota kya hai? Confession last session mein hum already padh chuke hai. Confession means admission of guilt. Admission of guilt. So, can I say admission genus है और confession उसका species है? Admission ऊपर आता है और नीचे confession आता है. Confession भी एक तरीके का admission ही है, एक तरीके का statement ही है. लेकिन ये statement देता कौन है students? ये statement देता है accused कि हाँ जी वो अपना जुर्म कबूल करता है और उसने ये अपराध किया है. Admission can be by anyone. एडमिशन कौन दे सकता है स्टूडेंट्स? एडमिशन सेक्शन 18, 19, 20 में जो लोगों के बारे में मेंशन किया, दे ऑल कैन गिव द एडमिशन. इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग रुद्र जी, धैत्री जी, भास्कर देव जी. चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? प्री आईक्यू की बात कर रही हूँ, वी विल बी गेटिंग सून ऑन योर पीडब्ल्यू ऐप. अभी बहुत सारे क्विजेस आपको देखने को मिलेंगे एंड वेरी सून वी विल बी यू नो सेग्रीगेटिंग और adding the PYQs according to your subject and topic wise. ठीक है, चलो अश्विन जी गुड मॉर्निंग, विवेक जी गुड मॉर्निंग. चले शुरू करें, जुडिशरी का बैच जल्द ही आने वाला है. लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग.
जुडिशरी का बैच वंस वी आर डन विद द लॉ फाउंडेशन बैच, ताकि जिन स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर होना है वो हो जाए यहाँ पर. उसके बाद विल बी स्टार्टिंग अ बैच फॉर जुडिशरी ऑल्सो. अब उसमें क्या रहेगा, कब स्टार्ट होगा, प्री मेंस इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ें रहेगी, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए अच्छे से सोच विचार और आप सबके लिए प्लान करने के लिए. ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा समय दीजिए एंड वील बी कमिंग इट विद वेरी सून. चलो शुरू करें. गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी, हिमांशु जी. चलिए, संडे है तो संडे को काफी सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, एडमिशन मींस एनी स्टेटमेंट. कन्फेशन भी एक तरीके का एडमिशन है, बस वहां पे अक्यूज अपने गिल्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है. रिमेंबर दिस थिंग. सो देयरफॉर कैन वी से दैट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस. सारे कन्फेशंस एडमिशंस है, बट All admissions are not confessions. यही होता है ना, जैसे कि हम मर्डर की बात करते हैं, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर. अंडरस्टूड? सही बोला कि नहीं बोला? आईपीसी मैम, आईपीसी पढ़ाते नहीं हो, आधा अधूरा ज्ञान है. क्लियर है? सो हमने क्यों ऐसा बोला, बिकॉज एडमिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एडमिशन इज सेड टू बी द जीनस एंड कन्फेशन को स्पीशी माना जाता है. मतलब एडमिशन ऊपर आता है, उसके नीचे कन्फेशन आता है. ये क्या हुए, ये एडमिशंस हुए, ये क्या हुआ, कन्फेशन हुआ. सो ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस. ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, जहां हम ये देखेंगे कन्फेशंस के टाइप क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि नॉन जुडिशियल कन्फेशन क्या होते हैं और इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है. So for that you need to write the meaning of the non-judicial confession, unka evidentiary value. Along with this you also need to mention the case laws. So humne bola confession is the admission of guilt by the person accused. Jiske against humne aarop lagaye wo apne dwara kiye gaye apraadh ko kubul karta hai. Confession kitne type ke ho sakte? Majorly do type ke ho sakte, lekin Indian Evidence Act ko acche se dekhenge to wahan aapko teen tarike ke confession ke bare mein baat ki gayi hai. ओके, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है, बट विद सर्टन प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हमने देखा है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बारे में भी कई बार जिक्र किया गया है. पहला आता है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और तीसरा आता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन. जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होगा, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कि मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है. यस, कोई स्टूडेंट्स है जो सीआरपीसी के बारे में बता सकता है कन्फेशन कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 164, सेक्शन बराबर रुद्र जी, सेक्शन नंबर 164 क्या बोलता है, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है. कौन से मैजिस्ट्रेट? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, किसी भी अक्यूज के द्वारा कोई कन्फेशन दिया गया है और कोई विटनेस द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो उस विटनेस तो स्टेटमेंट को ओथ पे एंड कन्फेशन को विदाउट ओथ पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसका रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर कहाँ दे रखा है, 281 सीआरपीसी में दे रखा है. Also, we have to study this with 463 कि अगर 281 या 164 का non-compliance होते हुए कोई confession या statement को record किया तो उसका effect क्या होने वाला है. Okay? तो ये चीजें हमेशा हमें साथ में पढ़नी है. Although, आप जब question का answer लिखेंगे तो हो सकता है आपको इन questions के या इन sections के perspective में कुछ चीजें नहीं पूछी गई, तो नहीं लिखना, जबरदस्ती लेंदी नहीं बनाना है और invigilator को नहीं बताना है कि हमें सब कुछ आता है, जितना पूछा है उतना बताना है, अदरवाइज हमारा ज्यादा टाइम जाएगा. Okay, right. 281 mentions the CRPC. 281 CRPC mentions the manner. And 463 क्या बोलते हैं? अगर non-compliance किया, क्योंकि कभी भी confession students record होता है, उसका proper procedure होता है. अगर accused ने कुछ बोला है, अपना गुनाह कबूल कर रहा है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी. Okay? तो judicial confession क्या होता है? हमेशा magistrate के सामने record किया जाता है. During a judicial proceeding, बताओ judicial proceeding क्या होती है? Inquiry और trial. इंक्वायरी और ट्रायल, या फिर जब हमारे मजिस्ट्रेट्स के पास पावर आती है कि वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उस वक्त हम कन्फेशन भी दे सकते हैं. होता कहाँ है रिकॉर्ड कन्फेशन? 164 ऑफ सीआरपीसी में रिकॉर्ड होता है हमारा कन्फेशन. ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हो सकता है, बिकॉज 164 इज व्हाट? 164 इज द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस और नो? सेक्शन नंबर 164 इज द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस, क्योंकि वहां साफ लिखा है मेड टू हिम During investigation and before the commencement of inquiry or trial. या तो inquiry और trial commence होने से पहले, या फिर हमारी investigation के दौरान कोई भी accused चाहे तो magistrate के सामने अपना confession दे सकता है. अब हमें इसकी evidentiary value देखनी है. जो fourth point है बड़ा सा, ये इसकी evidentiary value बताता है.
जब ये नोट्स आपके पास आएंगे तो ये फोर्थ पॉइंट के सामने आप लिखेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ जुडिशियल कन्फेशन. कन्विक्शन सोलली हमारे जुडिशियल कन्फेशन पे बेस्ड हो सकता है इफ इट इज प्रूव्ड दैट कन्फेशन वॉज वॉलेंट्री एंड ट्रू. 164 में एक एसेंशियल, हम देखो 164 के भी अभी एसेंशियल्स मेंशन करने वाले हैं कि 164 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है. इफ मैं कोई ऑफेंस करती हूँ, मैं मजिस्ट्रेट के सामने एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, तो मजिस्ट्रेट ये मेक श्योर करेंगे ना मैम वॉलेंट्री किया या नहीं किया, या कोई दबाव में आके तो नहीं किया, या किसी और को बचाने के लिए तो आप नहीं कर रहे. सो जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन नंबर 164 के एसेंशियल कंडीशन, वो हमें कंप्लाई करनी पड़ेगी. सो अगर मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन कि कन्फेशन वॉलेंट्री है और बिल्कुल सच है, ट्रू है, तो सोली उस कन्विक्शन के सॉरी उस कन्फेक्शन कन्फेशन के ग्राउंड्स पे, कन्फेशन के बेसिस पे वी कैन कन्विक्ट एनी पर्सन फॉर द ऑफेंस दैट ही हैज एडमिटेड. जनरल कोलैबोरेशन टू सच कन्फेशन मे बी नीडेड एट टाइम्स, अगर लगे कि ये जो कन्फेशन दे रहा है शायद इसकी और कोलैबोरेशन की जरूरत है, तो उसके लिए पुष्टि की जा सकती है कि जो ये व्यक्ति, जो ये अक्यूज, जो अपराधी बोल रहा है वो सत्य है या नहीं. ओके बराबर, यस वेरी गुड. दर असरार जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. कुनिमिता जी, प्रांजल जी, बराबर क्लियर. तो हमें ये देखना पड़ेगा. एक बात बताओ स्टूडेंट्स, कैन आई से कि 164 का कनेक्शन सीधा सीधा सेक्शन नंबर 24-25 से है. 24 एंड 25 व्हाट? इंडियन एविडेंस एक्ट. क्योंकि वहां मैजिस्ट्रेट यही तो देखेंगे कि क्या इसने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया है, या इसने कोई थ्रेट, इंड्यूसमेंट या इन्फ्लुएंस के अंडर तो नहीं दिया. सो 164 ऑफ सीआरपीसी में वी आर चेकिंग कि सेक्शन नंबर 24 और 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के एलिमेंट्स तो नहीं है. अगर वो एलिमेंट्स नहीं है, लग रहा है इस पर्सन ने वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया है, वॉलंटरी कन्फेशन दिया, हम उसको एडमिट कर लेंगे. राइट, क्लियर. मैम आफ्टर कन्फेशन विटनेस कैन बी हॉस्टाइल. सी कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट बाय द विटनेस आर टू डिफरेंट थिंग. हॉस्टाइल विटनेस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सुनो अच्छे से, कन्फेशन कौन देता है? अक्यूज देता है, ठीक है. और जो हम हॉस्टाइल विटनेस की बात करते हैं, वहां पे हॉस्टाइल कौन हो रहा है? वहां पे विटनेस हॉस्टाइल हो रहा है. अगर किसी अक्यूज ने स्टूडेंट्स कन्फेशन दिया, उसके बाद अगर वो बदल गया तो उसको हम हॉस्टाइल विटनेस नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिट्रैक्टेड कन्फेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रिट्रैक्टेड कन्फेशन बोलेंगे. वही होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, कि अक्यूज ने पहले तो ट्रायल शुरू होने से पहले कोई और स्टेटमेंट बनाया by which he admits to have committed the offense, but later on he repudiates it during trial. वो क्या कर देता है? मना कर देता है, सॉरी मैंने तो ऐसा कोई ऑफेंस किया ही नहीं. तो हॉस्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके विटनेस से रिलेटेड होता है, कि वो एग्जामिनेशन इन चीफ में कुछ और बोलता है, क्रॉस में कुछ और बोलता है, री में कुछ और बोलता है. सो इन दैट केस विटनेस हॉस्टाइल होता है. कन्फेशन अगर किसी अक्यूज ने दिया है और उसके बाद वो बदलता है तो दैट इज सेड टू बी द रिट्रैक्टेड कन्फेशन. हम अक्यूज को हॉस्टाइल नहीं बोलेंगे. क्या नहीं बोलेंगे? अक्यूज को हॉस्टाइल नहीं बोलेंगे अगर उसने कन्फेशन दिया है तो. ठीक है बराबर. वेलकम टू द क्लास आर्य जी, राकेश आर्य जी, बराबर. मैम ऑल्सो हैज टू मेक अ मेमो वेल. यस यस, वी हैव टू मेक अ मेमो एज पर सेक्शन नंबर 281. डू गो एंड वॉच सीआरपीसी का क्लास सेक्शन नंबर 164-167 मैंने साथ में कराया था, तो उस क्लास को जरूर देखना. बराबर है. तो हम जुडिशियल कन्फेशन की क्या बात करें, एविडेंशियरी वैल्यू बहुत अच्छी है, सोली उसके बेसिस पे हम किसी पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? मेड समवेयर एल्स अदर देन मैजिस्ट्रेट और जज. मैजिस्ट्रेट या जज के सामने हमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, हम किसी और के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं. मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बोल दिया, या जेल कस्टडी में ही ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन आ चुका है पहले कि अक्यूज था, अक्यूज ने पुलिस कस्टडी में या जेल के अंदर ही अपने कोई जो साथ में कैदी था उसको कन्फेस किया कि मैंने ऐसा कोई ऑफेंस किया है. दैट विल नॉट बी हेल्ड एज कन्फेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. ओके क्लियर. अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? सारे स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, एविडेंशियरी वैल्यू एक्स्ट्रा जुडिशियल के मैटर में वीक पीस ऑफ एविडेंस है, और इसके बेसिस पे हम सोलली किसी का कन्विक्शन नहीं कर सकते. इसके ऊपर हम तभी रिलाई कर सकते हैं जब हमें लगे कि ये कन्फेशन एब्सोल्युटली क्लियर है, कन्विंसिंग है. कन्विंसिंग मतलब जज साहब को ये लगे कि हाँ, मतलब दम तो है, इसने किसी और को जाके भले ही बोला है, पर जो बोला है उसको हम पुष्टि कर पा रहे हैं दूसरे एविडेंसेस से. तो जज साहब को ये कन्विंस करे, भले ही उसने जज साहब के सामने कन्फेशन नहीं दिया है. एंड कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट, कैन आई राइट द वर्ड रेलेवेंट? कैन आई राइट द वर्ड रेलेवेंट ओवर हियर? रेलेवेंट कैसे है? अगर लग रहा है
कि सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 के एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, कि जो उसने स्टेटमेंट भी दिया है, मैंने मतलब कन्फेशन दिया है, वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट लग रहा है दूसरे एविडेंसेस के साथ, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। इट मस्ट बी रिसीव्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने आके उसने कन्फेशन नहीं दिया है, किसी और के सामने दिया है, और अगर हम एडमिट करना चाहते हैं उसको तो बहुत ध्यान से एडमिट करना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी इनोसेंट पर्सन यहाँ पे उसको सजा ना मिल जाए। राइट, क्लियर, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 114 इलस्ट्रेशन बी विच सेज दैट अक्यूज्ड को अक्यूज के सोल टेस्टिमनी पे अगर हम किसी पर्सन को यू नो कन्विक्शन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको कोराबोरेट करें। ठीक है, क्लियर है। रीड विद सेक्शन, चलो रीड विद सेक्शन नंबर 133। बराबर, अब सुनो, रिट्रैक्टेड कन्फेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू भी समझ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है कन्फेशन से रिलेटेड। पकाल नारायण स्वामी, देखो पकाल नारायण स्वामी पहले आए थे एंड उसके बाद पलविंदर कौर आए थे, ध्यान रखना ये हमेशा। ठीक है, भगवान नारायण होते ना, नारायण समझते हो ना, भगवान विष्णु, तो उन्हीं की वजह से सृष्टि है। बराबर, तो यही समझना कि पकाल नारायण स्वामी पहले आए हैं, उसके बाद पलविंदर कौर जी आए हैं, ये हमेशा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। पकाल नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर 1939 में प्रीवी काउंसिल ने बेसिकली क्या किया, एक डेफिनेशन दी। किसकी डेफिनेशन दी स्टूडेंट्स? कन्फेशन की डेफिनेशन दी, और जहां उन्होंने ये बताया कि अगर अक्यूज्ड एडमिट करता है इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस इज कॉल्ड एज कन्फेशन। ये लाइन सीधी सीधी एग्जाम में आती है और ये पूछा जाता है कि कौन से केस लॉ में ये हेल्ड किया गया। ये लाइन को अच्छे से याद कर लेना कि अक्यूज्ड अगर ये एडमिट करता है, क्या एडमिट करता है, ऑफेंस को एडमिट करता है, और इस हद तक एडमिट करता है कि उसे हम कन्फेशन मान सकते हैं, एडमिट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस के रिलेशन में अपना गुना एडमिट करता है, देन हम उसको क्या बोलेंगे, उसको कन्फेशन बोलेंगे, विच मीन्स दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल फैक्ट्स और एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, कि आप क्या कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं उस चीज को, दैट यस ये ऑफेंस मैंने किया था, और वो एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट उन पर्टिकुलर तथ्यों से या उन पर्टिकुलर एलिमेंट से होना चाहिए जिनकी वजह से वो ऑफेंस होता है। कोई ऑफेंस होगा स्टूडेंट्स तो कुछ फैक्ट एंड इश्यू भी तो होंगे, उन फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन वहां आके डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट करता है एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, हम बोलेंगे वो क्या है, कन्फेशन है। सो पकाल नारायण स्वामी में क्या हुआ था, हमें कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई थी, एंड द सेम वॉज अप्रूव्ड इन द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1952। ओके, प्रीवी काउंसिल ने जो 1939 में पकाल नारायण स्वामी में डेफिनेशन दी थी उसको एक्सेप्ट किया पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में वापस से। नाउ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ, सारे स्टूडेंट्स उस पर होमवर्क करेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के मामले में स्टूडेंट्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस लॉज है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सा, जो मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया गया, एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, जनरली नहीं कर सकते, बट अगर मैजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, बहुत केयर एंड कॉशन रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उनको, और कोशिश करनी पड़ेगी कि दूसरे एविडेंस के साथ उसको कोराबोरेट करके लें। फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पल्टन मल्ला 2005, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी गुड पीस ऑफ एविडेंस है एंड देयर इज नो हार्म इन रिलाइंग ऑन दैट कन्फेशन इफ फाउंड ट्रस्टवर्दी। अगर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी ऐसा दिया है कि हम उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को ये मान सकते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है। मान लीजिए कोर्ट का कोई ऑफिसर था, उसके सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया, अब वो कोर्ट का ऑफिसर ऐसा है कि कभी झूठ तो बोलेगा नहीं कि पर्टिकुलर अक्यूज ने अपना गुनाह कबूल किया है। नेचर ऐसा है उस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का कि वहां हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस चीज पे, तो हम उसको गुड पीस ऑफ एविडेंस मानेंगे। बट एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, हमें क्या पता है, रूल ऑफ प्रूडेंस मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंग, सिंस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट मेड आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस, इट इज डिजायर्ड दैट सच कन्फेशन शुड बी कोराबोरेटेड विद द अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। क्योंकि जनरल रूल हमारा क्या है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कभी भी हम मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं देते हैं। दिस इज द रीजन जब भी आप कन्फेशन, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एक्सेप्ट करते हैं, इट शुड बी कोराबोरेटेड विद द अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस।
और जो भी एविडेंसेस हैं उनके साथ हमें कोराबोरेट करना पड़ेगा, उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस लॉ हरियाणा का केस लॉ है, पाचो वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक काइंड ऑफ एविडेंस है एंड इट इज प्रूडेंट फॉर द कोर्ट टू फर्स्ट असर्टन वेदर इट इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस एंड देन फाइंड आउट वेदर देर आर वाइटल सर्कमस्टांसेस टू सपोर्ट इट। पहले हमें ये देख, क्योंकि वीक काइंड ऑफ एविडेंस है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो पर्सन ऐसा कन्फेशन दे रहा है उसको उसके जो कन्फेशन देने का जो तरीका है क्या हम उसमें कॉन्फिडेंस है या हम उसमें बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दूसरा क्या और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो उस पर्टिकुलर कन्फेशन को सपोर्ट करें। कहने का मतलब, कैन आई कंक्लूड कि पांचों वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी उनका कहने का यही मतलब है कि दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से आप इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कोराबोरेट कीजिए। यस, बराबर क्लियर है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 164 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। सेक्शन नंबर 164 में स्टूडेंट्स दो चीजें दे रखी है। क्या दो चीजें हैं? पहला है कन्फेशन और दूसरा है स्टेटमेंट। कन्फेशन कौन देता है स्टूडेंट्स? इट इज बाय अक्यूज्ड। एंड स्टेटमेंट कौन देता है? इट इज बाय विटनेस। और कन्फेशन के कौन से सेक्शंस है इंडियन एविडेंस एक्ट में? 24 to 30 जो यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू सी कि हम कन्फेशन किसको दे सकते हैं। बिफोर हुम एन अक्यूज्ड कैन गिव द कन्फेशन, इट इज सेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, चाहे उनके पास स्टूडेंट्स ज्यूरिसडिक्शन हो या नहीं हो, हम उनके सामने कन्फेशन दे सकते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 164 के अंदर अक्यूज कन्फेशन दे रहा है, ओथ नहीं लगती है। लेकिन अगर स्टेटमेंट विटनेस दे रहा है तो उसकी स्टेटमेंट हम ओथ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? ओके, अब सुनो, कन्फेशन लिया कब जाता है? व्हेन? तो इट इज ड्यूरिंग ट्रायल, सॉरी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। बट प्री में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्लियर है ये चीज? अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो मजिस्ट्रेट साहब को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि पहले हम अक्यूज को इन्फॉर्म करें, अक्यूज को इन्फॉर्म करें कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन। मजिस्ट्रेट साहब ये भी मेक श्योर करेंगे कि कन्फेशन वॉलेंट्री दिया गया है। अगर वॉलेंट्री दिया गया है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कन्फेशन इनवॉलेंट्री दिया गया है तो हम कन्फेशन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है चीज? मजिस्ट्रेट उसको ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि अगर वो कन्फेशन देता है, तो वो उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। एंड मजिस्ट्रेट जब ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 281। अब इसका 281 में क्या है? एक्चुअली हमें दे रखा है मेमो ऑफ कन्फेशन, कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे सेक्शन नंबर 463 की तरफ, जो बोलता है नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 281 एंड 164। अगर लग रहा है कि एंड्स ऑफ जस्टिस या फिर अक्यूज को ऐसा कोई भी प्रिजुडाइज करने वाला मामला नहीं है, तो 281 एंड 164 की नॉन कंप्लायंस होने के बाद भी जिस मजिस्ट्रेट के पास हम मैटर को क्या कर रहे हैं, आगे कमिट कर रहे हैं, वो ऐसा कन्फेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, नो वन इज गोइंग टू स्पैम, प्लीज स्पैम नहीं, एक बार मैसेज कर दो, मैं देख लूंगी। मैम क्या अगर किसी ने क्लैट एक्सट्रीम 50 नहीं कर, ऐसा नहीं है। आपने अगर क्लैट एक्सट्रीम 50 बैच नहीं भी देखा है, यू कैन ज्वाइन अचीवर्स बैच, ऐसा कुछ नहीं है। एंड डू नॉट थिंक कि क्लैट एक्सट्रीम 50 में यूट्यूब पे अगर हमने कुछ टॉपिक्स करा दिए तो अचीवर्स में नहीं होंगे। डेफिनेटली होंगे, वो सारे होंगे, बट आपको एडवांस में कुछ और अच्छी प्रिपरेशन बेसिक्स के बारे में जानकारी देने के लिए आपके लिए एक्सट्रीम 50 बैच था। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वॉन्टेड टू बिगिन देयर प्रिपरेशन एट अर्ली स्टेज एंड प्रोबेबली इफ दे आर नॉट हैविंग द टाइम और कैन नॉट अफोर्ड द कोर्स, तो वो दैट पर्पस एक ग्लिम्स था आपके लिए। तो अचीवर्स बैच में हम ये सब कुछ कवर करेंगे एंड सेम विल हैपन विद द जुडिशियरी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि लॉ फाउंडेशन यहाँ करा दे तो ये सारी चीजें वहां नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर भी पढ़ाएंगे। देर आर थिंग्स विच आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट इन द बैचेस ऑल्सो। ओके,
चलिए यस शुभांकर जी, आई हैव इन्फॉर्म्ड इट टू द टीम. ओके, मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो सेंड द अक्यूज्ड टू जज. यस यस एब्सोल्युटली. रुद्र जी, कैन वी गिव द कन्फेशन बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? कैन वी गिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन हो सकता है क्या? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है क्या कन्फेशन लेने का? 164 को देखोगे यू विल रियलाइज ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव पावर टू टेक द कन्फेशंस. क्लियर? ओके ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. काफी बार स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूज होते हुए देखा है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करवा सकता है. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, एनी पब्लिक सर्वेंट और ऑल ऑफ द अबव, और वहां वो सब ऑल ऑफ द अबव करके आते हैं. ऐसा क्यों? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट करा सकते हैं. इट कैन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इट कैन बी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, इट कैन बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ओके बराबर. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा माना जाएगा. चलो आगे चले, क्लियर है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए हम सेक्शन नंबर 54A ऑफ आईपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे कभी. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे चले अब, जहां हमें ये देखना है स्टूडेंट्स दैट कन्फेशन से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे. इनका मैं डायरेक्ट रीडिंग भी लगवाऊंगी आपको, लेकिन पहले बेसिक मीनिंग समझो. ठीक है, कन्फेशन के तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन, हालांकि कहां से कहां तक है, 24 से लेके 30 तक है. सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि अगर कन्फेशन हमने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अंडर किया है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा. कन्फेशन हमेशा स्टूडेंट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दिए जाते हैं, ध्यान रखना. कन्फेशन क्या दिया, कहां दिया जाता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दिया जाता है. ओके, ये वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस. सीधा प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 24 में क्या क्या चीजें मेंशनड है. अगर मैं किसी पर्सन को इंड्यूस करती हूँ कि नहीं तुमको अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा, मार पीट के, डरा धमका के, सो दैट इज व्हाट, दैट इज सेक्शन नंबर 24, और ऐसे कन्फेशंस को हम एडमिट नहीं करेंगे. सेक्शन नंबर 25 कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड. अगर पुलिस ऑफिसर को आपने कन्फेशन दिया है वो प्रूफ नहीं किया जाएगा अगर आपने वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में दिया. कहने का मतलब ये है कि 25 नहीं चलेगा, 26 चलेगा. अगर पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया इट विल नॉट बी रेलेवेंट. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में डेफिनेटली आएगा, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में फॉल करता है उसका मतलब क्या होता है, वी नीड अदर कोराबोरेटिव एविडेंसेस. ओके क्लियर है, बराबर. चलो क्लैट की हम कल शाम को क्लास लेंगे, हम लोग फ्राइडे को नहीं ले पाए थे तो कल मंडे मॉर्निंग रहेगी क्लास आपकी, एंड फिर ट्यूजडे नो मंडे इवनिंग एंड ट्यूजडे इवनिंग क्लास रहने वाली है आपकी. ठीक है, सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ द पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम अनलेस ये इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के पास हुआ है. अगर वहां पर जब पुलिस कस्टडी में पर्सन था और वहां पे उसने कोई कन्फेशन दिया है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस थी, तो हम उस कन्फेशन को रेलेवेंट नहीं मानेंगे. लेकिन अगर उस वक्त मैजिस्ट्रेट ही प्रेजेंट थे वहां पे, वो कन्फेशन रेलेवेंट है. दृश्यम टू, विजय सालगांवकर एंड में जाके उसको क्या करता है, आईजी पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, उससे कन्फेशन रिकॉर्ड करवाते हैं. वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने को रेडी नहीं होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, थ्रेट दिया जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ और दोनों बच्चियां उसके सामने होती है, उनको उनके साथ मारपीट किया जाता है कि अगर तुमने कन्फेस नहीं किया तो डेफिनेटली हम इसको क्या करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, और जो कि मारा पीटा भी जाता है, विच इज नॉट अलाउड. ठीक है, क्योंकि आप कन्फेशन कैसे करवा रहे हो, इंड्यूसमेंट और थ्रेट करके करवा रहे हो, विच इज नॉट अलाउड. क्लियर है. चलो एक बार आएंगे सभी स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 24 पे, एक बार रीडिंग लगाएंगे. इट सेज कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट. कोर्ट को ये महसूस होना चाहिए, क्या महसूस होना चाहिए, दैट इट हैज बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द पर्सन. उस पर्सन के द्वारा कन्फेशन दिया जा रहा है जिसके अगेंस्ट हमने चार्जेस किए हैं. आगे सुनो, प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी. ये जो इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है और प्रॉमिस है, ये किसके पास से आना चाहिए, पर्सन इन अथॉरिटी. पर्सन इन अथॉरिटी का कहने का मतलब है कि कोई ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पे है जहां पे हम उस अक्यूज को डरा सकते, धमका सकते हैं.
या फिर पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट हो सकता है जिसकी अथॉरिटी में उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन को रखा गया, टू गिव द अक्यूज टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड विच वुड अपियर हिम टू रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाई मेकिंग इट ही वुड गेन एन एडवांटेज और अवॉइड एनी ईविल और टेम्पररी नेचर. जहाँ पे अक्यूज पर्सन को थोड़ा लालच दिया जा रहा है, जहाँ पे उसको ये महसूस करवाया जा रहा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि प्रॉमिस भी कर रहे हैं हम, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ये कन्फेशन देने से उसको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर है? सुन रहे हैं फरहान जी? ऐसा थोड़ी है कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं. ठीक है, एंड जुडिशरी की क्लास में थोड़ा सा जुडिशरी डाउट्स को मैं थोड़ा एड्रेस करूंगी. यस सुशांत जी, डेफिनेटली. ठीक है, क्लियर है? यस, कलू कथी का केस, राइट, जहाँ पे हमें पता है कि प्रिजन में कुछ ऐसी चीज हुई विच द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड टू डू. बराबर. अब देखो, सेक्शन नंबर 24 को सीधा हम कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 28 से, बिकॉज 24 ने बोला थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं होना चाहिए. लेकिन ये थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के रिमूव होते ही अगर कोई कन्फेशन दिया जाता है, इट इज रेलेवेंट. तो 24 को 28 के साथ पढ़ना, 25, 26 बाद में. 24 ये कहता है कि अगर थ्रेट इंड्यूसमेंट किया और उसके बाद कन्फेशन दिया, नॉट रेलेवेंट. लेकिन एक बार ये थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस रिमूव हो चुका है, इसका इफेक्ट नहीं है अब किसी पर्सन के ऊपर, तब आपने कन्फेशन दिया, नाउ दिस कन्फेशन इज रेलेवेंट. कम टू सेक्शन नंबर 25 व्हिच सेज नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. हम अक्यूज के अगेंस्ट ऐसा कन्फेशन क्या नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे. और 26 ने ये बोल दिया कि पुलिस की कस्टडी में अगर कोई पर्सन है और उस वक्त नो कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन, ये जो वर्ड दिखाई देता है ना आपको, दिस वर्ड, दिस मीन्स व्हाइल ओनली. ओके, व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन. तो अगर मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में आपने दिया है तो हम ऐसे पर्सन के अगेंस्ट उसका कन्फेशन प्रूव कर सकते हैं. ओके, एंड एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बेसिकली मैजिस्ट्रेट कौन होता है इसके बारे में बताया है. ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना, प्री में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. ओके, चलिए अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज. चलो, केस लॉज से पहले सेक्शन नंबर 27 अति महत्वपूर्ण दिखता है, छोटा सा सेक्शन, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन भी बेस्ड है. सेक्शन नंबर 27 ये कहता है, How much information received from the accused may be proved, मतलब अगर accused ने आपको कोई information दी, जिसको हम क्या कहते हैं, discovery, क्या कहते हैं, discovery of any facts in furtherance to the information given by the accused. और ये information students दी कब गई है, while accused is in police custody. Accused is in पुलिस कस्टडी, तब वो कोई फैक्ट स्टेट कर रहा है और उसके बाद हमने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई ऐसे फैक्ट्स को डिस्कवर किया है, तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो फैक्ट्स डिस्कवर किए हैं, हम उसको उसके अगेंस्ट प्रूफ कर सकते हैं. तो कितनी इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है उसमें से कितना प्रूफ कर सकते हैं, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव. हमें इंफॉर्मेशन हो सकता है 5 चीजों से रिलेटेड मिली हो, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे फैक्ट्स थे जो कि एक्चुअली हम डिस्कवर कर पाए. तो स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 फैक्ट्स ही उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूफ कर सकते हैं, नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन व्हिच ही हैज गिवन. अगर उसने बोला कि मैंने नाइफ अलमीरा में छुपाया है, मैंने ब्लड स्टेन्स के क्लॉथ अपने किसी बैग में छुपाए हैं, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ नाइफ डिस्कवर होता है, तो हम उस पर्टिकुलर नाइफ को ही उस पर्सन के या अक्यूज के अगेंस्ट प्रूफ कर सकते हैं, वेयर वी कैन प्रूव दैट दिस नाइफ वाज यूज्ड बाय दिस अक्यूज इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस. क्लियर, टिल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कवरी ओनली. क्लियर है? बराबर, आगे चले. देखो, सेक्शन नंबर 27 पढ़ेंगे एक बार, और 27 से रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, एज वेल एज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ने वाले हैं. और सेक्शन नंबर 27 को और क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट प्रोसीड्स द डिस्कवरी. हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट प्रीसीड्स द डिस्कवरी. क्लियर, इट सेज प्रोवाइडेड व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू अ डिस्कवर्ड एज टू एज डिस्कवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस.
इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कब है, जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है. सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, चाहे वो इंफॉर्मेशन कन्फेशन को अमाउंट करे या नहीं करे, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट्स डिस्कवर्ड मे बी प्रूव. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो कन्फेशन को अमाउंट करे या ना करे. देयर इज अ एग्जांपल, कन्फेशन हैज बीन मेड बाय ए हु वाज इन पुलिस कस्टडी फॉर द मर्डर ऑफ बी विद द डैगर. क्या बोला, इस डैगर के मदद से मैंने अ पर्टिकुलर पर्सन का, बी का मर्डर किया है. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट सच डैगर वॉज हिडन इन द फील्ड नियर द हाउस, कि घर के जो खेत थे पास में वहां पे डैगर उसने छुपाया. Police recovered the dagger and thus the information which was given to the police would be considered as relevant under section number 27. So 27, can I say student, section number 27 is an exception to 24, 25 and 26. 24, 25, 26 bolte ki confession kab relevant nahi hoga. 27 bolte, come here, I'll tell you when confession is relevant. Can I say this? Kaun sa wala point? बताओ. ये देखो, ये सर्च और सीजर में आ सकता है. बिल्कुल, सर्च और सीजर के प्रोविजंस के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जहां वी विल सी कि अगर पुलिस ऑफिसर प्रोसीड कर रहा है कोई प्लेस को सर्च करने के लिए या कुछ आइटम को सीज करने के लिए, एंड दैट इज इन फर्दरेंस ऑफ द एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज्ड, तो हम बोलेंगे कि वो सर्च एंड सीजर हमारे 27 के कॉन्टेक्स्ट में की गई है. और तभी तो ना, देखो इसीलिए तो हम सबसे पहले अक्यूज को क्या करते, एग्जामाइन करते. इसीलिए सेक्शन नंबर 160 हो गया, 161 में अगर पुलिस को लगता है कि कोई विटनेस है जो कि फैक्ट से एक्विटेंट है तो उनको बुला सकती है, ताकि इनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हो, काफी मदद हो पाए इनको. बराबर, राइट निकी जी, क्लियर. हेलो मैम, आपके चैनल पे, आपका और हमारा सबका चैनल प्रिया जी. ओके, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट की भी क्लासेस लगा दो फॉर जुडिशरी मेंस. यस यस, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की क्लासेस लगाएंगे, नॉट फॉर जुडिशरी मेंस बट इवन फॉर प्रिलिमिनरी वेरी सून, स्पेसिफिकली लाइक हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर जो आपके आरजेएस में आती है उसके लिए भी, एंड फॉर एसे राइटिंग ट्रांसलेशंस डेफिनेटली रहेगी. ओके, बराबर. यस, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय द सब्सिक्वेंट फैक्ट्स. डॉक्ट्रिन से याद है, कल एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम इंडियन एविडेंस एक्ट की डॉक्ट्रिन्स कराना, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि आप लिस्ट भेज दीजिए मुझे डॉक्ट्रिन्स की जो हम कवर करेंगे. ऐसा ना हो कि कोई स्पेसिफिकली डॉक्ट्रिन आप चाहते थे कि मैं कवर करूं बट वो क्लासेस छूट जाए, सो दैट वी कैन कवर ऑल द डॉक्ट्रिन्स इन वन स्ट्रोक. डॉक्ट्रिन्स काफी सारे कवर करेंगे हम, चाहे आपके टीपी एक्ट के हो गए या इंडियन एविडेंस एक्ट के हो गए. ठीक है, क्लियर है. चलो अब केस लॉ देखो, इंपॉर्टेंट. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज देवमन उपाध्याय 1960. State of UP versus Devan Upadhyay में क्या बोला? Section number 27 did not offend or violate 23. Article 20 clause 3 क्या बोलता है students? Self-incrimination not allowed. Self-incrimination not allowed. किसी accused person को आप compel नहीं दे कर सकते कि वो अपने विरुद्ध ही witness बने. तो section number 27 में तो वैसा ही हो रहा है ना? Person अपने against कोई information दे रहा और वो information के वजह से कोई डिस्कवरी हुई है, तो आप उस डिस्कवरी को उस पर्सन के अगेंस्ट ही तो प्रूफ कर रहे हो. सो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जहां वो इन्फॉर्मेशन दे रहा फैक्ट मिलते ही आप तो उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो. इट वॉज सेड दैट सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करता है, एंड डिक्लेयर सेक्शन नंबर 27 टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है देवमन उपाध्याय के केस में. नेक्स्ट इज पुलकोरी कोट्टैया वर्सेस एम्परर 1947, जहां पे इन्होंने ये बोला कि अगर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि पुलिस कस्टडी में है, एंड आगे डिस्कवरी होती है उस इन्फॉर्मेशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू क्लॉथ्स ऑर्नामेंट्स कॉर्पस विच आर रिलेटेड विद द ऑफेंस आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 27. बराबर मैम, मेंस के लिए ये भी बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, मेंस के लिए भी करेंगे, है ना. कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम हो सकता है कि फाउंडेशन बैच में आपको साथ साथ में दें, सो दैट यू कैन डू योर होमवर्क आल्सो, एंड वी कैन आल्सो सजेस्ट यू दैट व्हाट ऑल सेक्शंस और द केस लॉज यू नीड टू मेंशन. नेक्स्ट इज पंडुरंग कुल्लू पाटिल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सेक्शन नंबर 27 वॉज इनएक्टेड एज अ प्रोविजो टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 एंड 26. कहने का मतलब ये है 27 is an exception to section 25 as well as section number 26. Clear?
आगे दो और केस लॉज है इम्पोर्टेंट, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में स्टूडेंट सेक्शन नंबर 27 को एक्सेप्शन माना गया 24, 25 एंड 26 का, जबकि ध्यान रखना पंडुरंग कुल्लू पाटिल केस में सिर्फ और सिर्फ 25 एंड 26 का एक्सेप्शन बोला 27 को, लेकिन इनायतुल्ला के केस में क्या बोला गया 24, 25, 26 तीनों का एक्सेप्शन है कौन सेक्शन नंबर 27। 24, 25, 26 excludes confession under certain circumstances. Section 27 is the proviso, is a proviso, a controlling section and furnishes an exception to the rule excluding the confession. और वो rules कौन से हैं जो confession को exclude करते हैं? 25, 24 and 26. यही तो वो तीन sections हैं जो confession को exclude करते हैं, जहां बोलता है कि confession यहाँ relevant नहीं होगा. तो section number 27 is exception to all these section. It lays down that confession is admissible if it leads to discovery of some facts. इनायतुल्लाह के केस में बोला 27 relevant है अगर वहाँ पे information दी गई और आगे discovery हुई तो. Next is निशिकांत झा versus state of बिहार. निशिकांत झा के केस में क्या बोला कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, there is nothing wrong on relying the part of the confessional statement. क्या confession को हमें पूरा accept करने की जरूरत है या पूरा reject करने की जरूरत है, या फिर क्या हम कन्फेशन का सिर्फ एक पार्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? द क्वेश्चन अरोज दिस क्वेश्चन अरोज इन द केस ऑफ निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला आप कन्फेशन के एक पार्ट पे रिलाई कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप सारे ही पार्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दें, एंड क्योंकि एक पार्ट वहाँ रेलिवेंट नहीं लग रहा तो आप पूरे ही कन्फेशन को इग्नोर कर दें या पूरे ही कन्फेशन को रिजेक्ट कर दें, नॉट नेसेसरी. कुछ भी गलत नहीं है अगर आप कन्फेशन के एक पार्ट पे रिलाई करते हैं, एंड रिजेक्ट द रेस्ट व्हेन देयर इज एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द एक्सकल्पेटरी पार्ट, कोर्ट में रिलाई ऑन इनकल्पेटरी पार्ट. कन्फेशन में स्टूडेंट्स दो चीजें होती है, इनकल्पेटरी पार्ट एंड एक्सकल्पेटरी पार्ट. इनकल्पेटरी पार्ट मीन्स सेल्फ हार्मिंग, तो कन्फेशन में हमेशा सेल्फ हार्मिंग चीज क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है. एक्सकल्पेटरी पार्ट दैट इज सेल्फ सर्विंग पार्ट कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है. सो अगर हमारा कन्फेशन ऐसा है, कैसा है कन्फेशन स्टूडेंट्स, कन्फेशन ऐसा है जिसका एक पार्ट तो एक्सकल्पेटरी है और दूसरा पार्ट है इनकल्पेटरी. इनकल्पेटरी मतलब खुद को ही इनकल्केट करना, खुद के ही विरुद्ध आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो. तो हम एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, बट अगर सफिशियंट एविडेंसेस हैं ये बताने के लिए कि इनकल्पेटरी पार्ट में सत्य है तो हम इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, आई थिंक अक्षत जी इट इज स्टिल 2 जून, एक बार आप बैच में प्लीज जाके देखिएगा. आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक आउट द ऐप एंड सी कि कब तक आपका जो 3 साल लाजवाब का ऑफर है वो कब तक के लिए वैलिड है. ठीक है, सो आपका जो प्राइस है वो कम कर दिया गया. डू गो एंड एनरोल टू द बैच इन केस इफ यू रिक्वायर दैट. ओके, क्लियर. This is only with practice. मुझे खुद को भी हो सकता है इतने cases याद नहीं रहते, but only this is possible only with practice. And practice doesn't mean revising these case laws. It is only when you revise the MCQs. जब आप MCQs बार बार attempt करो, case laws का भी MCQ आता है students. Go for case laws MCQ also. Subject wise आता है, तो go for that. वो बहुत अच्छा रहेगा. हो सकता है आपको subject wise में भी topic wise मिल जाए, तो वो बेस्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन के तो जितने केस लॉज हो सकते हैं कीजिए, चाहे यूपीएससी की बुक से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज का एमसीक्यूज कर सकते हो, बट करो. ये आप फैक्ट है, मानो ना मानो, प्रूवन भी है. और स्टूडेंट्स का भी ये कहना होता है एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज भी करोगे तो इतना याद नहीं रह पाता जितना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर याद रहता है. एक बात बताओ, जब घर वाले कोई चीज़ सिखाते हैं हमें, कोई सीख देते तो वो याद नहीं रहती है, लेकिन जब हम गलती करते हैं है ना, वो जीवन में घटना घट जाती है, वो सीख को हम वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और जब गलती होती है तब रियलाइज होता है कि वो सीख क्या थी. सो दैट इज व्हेन यू आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स व्हेन वी एक्चुअली सी दैट चैलेंज बिफोर अस. ओके, क्लियर है. चलो, यस यस, डेफिनेटली क्लियर. अक्षत जी मैं जरा टीम को बोलूंगी कब तक है. वैसे आई थिंक कल जो वीडियो आया था जो मेन चैनल पे, तो वहां पे तो 2 जून दिखा रहा था, तो एक बार आई टॉक टू द टीम की ऑफर कब तक वैलिड है. ठीक है, क्लियर है. वेरी गुड, वेरी गुड रुद्र जी. 35,000 एमसीक्यू लगाए तो बहुत अच्छी बात है. वो 35,000 को भी वापस लगाओ, ऐसे नहीं एक बार कर लिया, 2-3 बार लगाओ. ठीक है, चलो
अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 29. 28 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके. 28 को किसके साथ कवर किया? सेक्शन नंबर 24 के साथ, जो बोलता है कि एक बार आपका थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस ये खत्म हो चुका है, इसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद कन्फेशन देते हो तो वह रेलेवेंट है. 29 सेज कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. क्या बोला? कन्फेशन जो कि अदरवाइज रेलेवेंट है वो मात्र इसलिए इररेलेवेंट नहीं हो जाता क्योंकि वहां पे आपने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी किया था. आपने ये प्रॉमिस किया कि भाई रुद्र जी मुझे बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा. आपको प्रॉमिस किया गया और आपने वहां कन्फेशन दे दिया. उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं, रुद्र जी ने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे अपने पास, इसलिए मैंने कन्फेशन दे दिया. मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता कि वो किसी और को जाके बताएंगे तो मैं तो कभी कन्फेशन देता ही नहीं. नो, दिस इज नॉट अलाउड. इवन इफ देयर वाज अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट रखने का अगर प्रॉमिस था भी, तो भी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद भी अगर कोई कन्फेशन दिया गया, दैट विल बी रिलेवेंट. ये जो प्रॉमिस दिया गया है स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 24 एंड 28 में, वो प्रॉमिस अलग है. एंड दिस प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी गिवन अंडर सेक्शन नंबर 29 इज डिफरेंट. 29 में प्रॉमिस किस चीज का? उस चीज को सीक्रेट रखने का कि किसी को नहीं बताऊंगा. सी 29 क्या कहता है? इफ अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, वैसे रेलेवेंट है, अदरवाइज रेलेवेंट मतलब सेक्शन नंबर 27 में रेलेवेंट हो सकता है, सेक्शन नंबर 28 में रेलेवेंट हो सकता है, सेक्शन नंबर 26 में रेलेवेंट हो सकता है, जब आपने मैजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कन्फेशन दिया है. तो जब इन सेक्शंस के अंडर कन्फेशंस रेलेवेंट है, तो वो कन्फेशन मात्र इसलिए रेलेवेंट नहीं बन जाता क्योंकि जिसके सामने आपने कन्फेशन दिया उसने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको सीक्रेट रखेगा. कई बार हमारे ऐसे शुभ चिंतक होते हैं जो कहते हैं हाँ बता दो मैम, मन हल्का कर दो. अब आपको क्या पता कि वो जाके आगे किसी और को बता देंगे. So never ever have a blind trust on anyone. क्योंकि वक्त हमेशा वक्त बदलता है and you never know. So always keep your secrets to yourself. And ये तो हम देख ही रहे ना, सबने experience किया है. There is no, ये दुनिया का general rule है, सत्य है, which I have also experienced. सब लोग सब कुछ सबको बताते हैं, सब सबको सब कुछ बताते हैं, ये ध्यान रखना. क्योंकि अब आप मुझे कुछ बताओगे, हो सकते हैं मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो या ना मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूँ, हो सकता है आगे कहीं ना कहीं चीजें जाती रहती है. ओके, दिस इज लाइक एक सैम्पलिंग वर्ड होता है जब आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे या जब रिसर्च करेंगे नेट, वहाँ पे सैम्पलिंग होता है. तो सैम्पलिंग में अलग अलग होता है, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो अगर मुझे सैम्पलिंग करनी है, मैं रुद्र जी को बोल रही हूँ रुद्र जी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कीजिएगा, रुद्र जी आगे भास्कर जी को बोल रहे, भास्कर जी शशांक जी को बोल रहे, शशांक जी प्रियांशी जी को बोल रहे, तो ऐसे ऐसे क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जाएगी मेरे पास. वैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आगे से आगे पास होती जाती है. ठीक है, दोस्त भी दोस्त नहीं होते, कहाँ दोस्तियां आजकल रही है, क्योंकि वी आर लिविंग नाउ इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सेटलिंग अ करियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी रिलेशनशिप और इवन अ ट्रस्ट. एक के ऊपर कदम रख के ही आजकल आप देखो जनरली लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बिकॉज एफर्ट्स डालने से अच्छा है कि किसी को फटाफट बेनिफिट्स ले लो. इसलिए हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जब जुडिशरी के लिए भी जाते हो, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मैम ये नोट शेयर कर दीजिए, वो कर दीजिए, अवेलेबल है टेलीग्राम पे, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ अपनी मेहनत खुद करो. अपनी खुद की मेहनत से आगे जाओगे, उस सक्सेस का मजा ही अलग होगा एंड यू विल फील वेरी प्राउड ऑन योर सेल्फ. एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि जो पाया ना अपनी मेहनत से पाया, किसी का एहसान नहीं है. ठीक है, और कोई एहसान जता दे तो बता दो फिर उसको. ठीक है, चलो. सो सेक्शन नंबर 29 को हम पढ़ेंगे, विच सेज इफ अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट. अदरवाइज रेलेवेंट मतलब 26 में जब मैजिस्ट्रेट के सामने, 27 में जब डिस्कवरी हुई, और 28 में जब थ्रेट इंड्यूसमेंट रिमूव हो गया. तो इन केसेस में कन्फेशन रेलेवेंट होता है. इट डज नॉट बिकम्स इररेलेवेंट मियरली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड. आपने अक्यूज के ऊपर डिसेप्शन किया, डिसेप्शन मतलब आपने उसको भ्रमित किया. ओके, ऑन द अक्यूज पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट और व्हेन ही वाज ड्रंक. सो रिमेंबर द प्रोविजंस. पहला क्या है? प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. ठीक है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. सेकंड इज व्हेन ही वाज ड्रंक. सेकंड एक और पॉइंट है, और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन. कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन. डिसेप्शन का मतलब क्या हो गया? डिसीव कर रहे हो आप किसी को, चीट कर रहे हो, फ्रॉड कमिट करने के कॉन्टेक्स्ट से. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इज व्हेन ही वाज ड्रंक. सो कैन आई राइट इंटॉक्सिकेशन? यस, इट इज अ नेवर एंड लूप.
पॉइंट नंबर फोर, और बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू द क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, उसने ये कन्फेशन कब दिया? एज अ आंसर टू क्वेश्चन विच नीड नॉट बी आंसर्ड, नीड नॉट बी आंसर्ड, बराबर। यस, सेक्शन नंबर 163, 162, जो क्या बोलता है कि अगर आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आंसर, एज पर 162, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू साइन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे जिसका आंसर आपको देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने आंसर दे दिया, तो वहां पे आप नहीं बोल सकते मुझे आंसर देने के लिए कोई बाउंड नहीं था, मैं बाइंडिंग कोई इफेक्ट नहीं था, फिर भी मैंने आंसर दे दिया, तो आप इसको कन्फेशन के अंडर कवर मत कीजिए, उसके बाद भी कन्फेशन के अंडर कवर होगा। वॉट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन, वो क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कैसे भी हो, और बिकॉज ही वॉज नॉट वॉन्ट दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, आपने उसको वॉर्न नहीं किया दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, इन ग्राउंड पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा कन्फेशन अब आप इररिलेवेंट मानिए, एंड द एविडेंस, ओके, एंड द एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम। तो इन मामले, ये मामले होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं इस मैटर में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, चाहे वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी हो, डिसेप्शन हो, इंटॉक्सिकेशन हो, या ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स हो जो आप देने के लिए बाउंड नहीं थे, या आपको वार्न नहीं किया गया। ये मत बोलिएगा कि 164 में मुझे वार्न नहीं किया गया, मजिस्ट्रेट ने वार्न नहीं किया, स्टिल यू हैव कन्फेस्ड, इट विल बी रेलेवेंट। ओके, बराबर, वेरी गुड प्रांजल जी। आगे चले, सेक्शन नंबर 130, जो क्या कहता है, दगाबाज निकलता है वो दोस्त जिसने आपके साथ ऑफेंस कमिट किया। अब आपको जब मैं आप करके संबोधित कर रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं दैट यू टेक इट ऑन योरसेल्फ, इट मींस दैट आई एम रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड। ओके, सेक्शन नंबर 30 सेज, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन इफेक्टिंग अ पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर द ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस। ये बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, इसको सिंपल सा मीनिंग ये समझना है, कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड, क्या समझना है, एम आई राइट, कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड। दो लोग थे, दोनों ने साथ में मर्डर किया, पहले वाले से पूछा, उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले से जब पूछा तो उसने कन्फेस कर दिया, एंड अगर वो कन्फेशन देता है किसके अगेंस्ट, को अक्यूज के अगेंस्ट, सो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, विल दैट बी प्रूव्ड ओनली अगेंस्ट द पर्सन हु इज गिविंग द कन्फेशन, और विल इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, क्या सिर्फ को अक्यूज के अगेंस्ट उसको हम कन्फेशन को प्रूफ करेंगे, या दूसरे के विरुद्ध भी जिसके विरुद्ध उसने कन्फेशन दिया है। उससे पहले सेक्शन नंबर 30 के एसेंशियल एलिमेंट समझो। सेक्शन नंबर 30 के लिए जरूरी है एक से ज्यादा अक्यूज होने चाहिए, ज्वाइंट ट्रायल होनी चाहिए दोनों की, क्या होनी चाहिए, ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज ज्वाइंडर ऑफ द चार्जेस या ज्वाइंडर ऑफ द अक्यूज्ड, ज्वाइंट ट्रायल सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, and there must be confession made by the one co-accused. Very good. Both of them. Good, Priyanshi ji, Shashank ji, Rudra ji, Akshar ji. Can I connect it with section number 10? Section number 10 से connect कर सकती हूँ, जहाँ पे co-conspirators भी अगर कोई statement देते हैं तो उसे हम क्या मानेंगे? Relevant मानेंगे. क्यों? क्योंकि वो उनका common intention दिखा रहा है. Okay? So section number 10 and section number 30, both of them can be read together. Confession must implicate the maker as well as other co-accused to the same extent. ऐसा नहीं बोल सकता co-accused, अरे मैं तो वहां पे सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा था वो मर्डर कैसे कर रहा था, और जो मेरे साथ में व्यक्ति था उसने मर्डर किया है। आप अगर ऐसा कन्फेशन दे रहे हो मिस्टर co-accused, तो मेक श्योर करें कि आप सिर्फ अपने साथी accused को ही सिर्फ उसका ही गुना ना बताएं, अपना भी उस सेम एक्सटेंट तक आपको गुना एक्सेप्ट करना है। कन्फेशन ऐसा होना चाहिए जो दोनों की लाइबिलिटी सेम लेवल तक या सेम एक्सटेंट तक बताए। कन्फेशन मस्ट बी ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर, जो कन्फेशन दे रहा है उसके विरुद्ध भी आपको कन्फेशन ड्यूली प्रूव करना है, तभी हम बोलेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, नॉट द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। कम टू सेक्शन नंबर 34 वंस स्टूडेंट्स, व्हेन मोर देन वन पर्सन are being tried jointly for the same offense and the confession made by one of such person affecting himself and such other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such persons. As against such persons matlab dono ke against, A or B dono ke against hum us confession ko consider kar sakte hain, as well as against the person who makes the confession. And offense ka matlab kya ho gaya, abetment attempt of the offense, क्लियर है।
बराबर, अंडरस्टूड? यस यस यस, द ऑफेंस इंक्लूड्स अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट ऑल्सो. ये आपको कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 30 के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है. एग्जाम में पूछा जा सकता है. सेक्शन नंबर 30 में ऑफेंस मीन्स व्हाट? जस्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस और ऑल्सो द अबेटमेंट और द अटेम्प्ट. इट मीन्स अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट बोथ. ओके, कम टू सेक्शन नंबर 10 वंस. हम रेलिवेंसी जब पढ़ा था स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 6 से लेके जब 17 तक पढ़ा था, तो हमने सेक्शन नंबर 10 को कवर किया था. सेक्शन नंबर 10 में क्या बोला? थिंग्स डन और सेड और थिंग्स डन सेड और रिटन बाय योर कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस ऑफ अ कॉमन डिजाइन. वर्ड क्या है वहां पे? कॉमन इंटेंशन है, तो वो क्या होता है? रेलेवेंट होता है. सेक्शन नंबर 30 में हम कन्फेशन की बात कर रहे हैं. सेक्शन नंबर 10 में हम कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर कॉन्स्पिरेटर ने कुछ बोला है, कुछ लिखा है या फिर वहां पे कुछ किया है, सेड रिटन और डन, तो वो सब क्या है? रेलेवेंट होगा, क्योंकि वहां वो उनका कॉमन इंटेंशन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? कॉमन इंटेंशन दिखा रहा है, वो सब वहां रेलेवेंट होने वाला है. लेकिन सेक्शन नंबर 30 में तो ये खुद आके स्टेटमेंट दे रहा है. क्या दे रहा है? स्टेटमेंट दे रहा है. नाउ यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस विद सेक्शन नंबर 133. सेक्शन नंबर 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे आएंगे. सेक्शन नंबर 133 क्या स्टेट करता है स्टूडेंट? एकम्प्लिस. एकम्प्लिस के बारे में इन्होंने बोला है, एन एकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मियरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोराबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द एकम्प्लिस. एकम्प्लिस कौन होता है स्टूडेंट्स? एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो कि अक्यूज पर्सन के साथ ऐसी ऑफेंस करता है. एकम्प्लिस को जनरली हम क्या करते हैं स्टूडेंट? टेंडर ऑफ पार्डन करते हैं. उसको ये चीज का लालच दिया जाता है कि बता दो एग्जैक्टली क्या चीज था, क्या मैटर था, कैसे ऑफेंस किया गया था, आपको जो है थोड़ा बेनिफिट दे दिया जाएगा, आपका जो पनिशमेंट है उसको हम पार्डन कर देंगे. सो ऑन दैट ग्राउंड सेक्शन नंबर 306, 307 as well as 308 of CRPC should be read with section number 133. तो accomplice को क्या माना गया? Competent witness माना गया. Against whom? Against the accused. अगर वो कुछ ऐसा statement देता है तो. Remember this thing. Statement अलग होता है, confession अलग होता है. बराबर है ये चीज? अब सुनो. अब 133 को हमें पढ़ना चाहिए 114B के साथ, जो ये कहता है कि कभी भी आप accomplice की uncorroborated testimony पर प्रोसीड नहीं कर सकते. इट इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. हु इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट? एकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोराबोरेटेड बाय द मटेरियल पर्टिकुलर्स. 133 बोलता है कि एकम्प्लिस की अनकोराबोरेटेड टेस्टिमनी पर आप अक्यूज को पनिशमेंट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 114B बोलता है कि एकम्प्लिस हमेशा अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है अनलेस एंड अंटिल हम उसको कोराबोरेट करें. हो सकता है ना झूठ बोले वो, आप उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तो 114 एंड 113 की कंबाइन स्टडी करें तो इफेक्ट ये निकलता है कि एकम्प्लिस ने अगर कुछ भी स्टेटमेंट दिया है तो उसके बेसिस पे हम अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं, बट इट इज नेसेसरी दैट द एकम्प्लिस शुड बी कोराबोरेटेड अनलेस द एकम्प्लिस इज कोराबोरेटेड. उसको कोराबोरेट करना जरूरी है. क्लियर है? Yes, government witness. Very good, Teju ji. आज इसके notification के regarding लेके आऊंगी मैं, जरा CLAT का batch orientation launch हो जाए एक बार, then आज इसकी strategy के ऊपर कुछ थोड़ा सा discussion है, which I really wanted to do. Not because it is required, it is because students के काफी doubts आ रहे हैं ना. देखो वैसे चीजें तो बहुत सारी है जो market में चलती रहती है ना, तो since we do not have competitive attitudes, obviously we will work according to what is required for the student and जहाँ पे student का time waste ना हो. तो काफ़ी सारे students जो हैं वो RJS को थोड़ा सा है कि चलो अभी late हो जाएगा, या जो थोड़े assumptions चल रहे हैं कि RJS का exam कब आएगा कब नहीं आएगा, या क्या strategy होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जे लोग एग्जाम तो साइमल्टेनियसली कैसे क्या करना है. सो प्रोबेबली इन अ वीक और सो वी विल बी कंडक्टिंग अ स्ट्रैटेजी सेशन. ओके चलो, सेक्शन नंबर 10 के लिए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है विच सेज कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952. इंडियन एविडेंस एक्ट के में लैंडमार्क केस लॉस का एक ऑलरेडी सेशन ले चुकी, बहुत पहले लिया था 2-3 महीने पहले, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको लैंडमार्क जजमेंट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके जरूर देखना. तो कश्मीरा सिंह में क्या बोला गया सेक्शन नंबर 30 को क्या बोला गया? उन्होंने इसको भी वीक टाइप ऑफ एविडेंस बोला है. वीक टाइप ऑफ एविडेंस बोला है इसके पीछे देखो रीजन हो सकता है 114B अनकोराबोरेटेड है, अनट्रस्टेड है, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है. अनवर्दी ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मतलब इतना सक्षम नहीं है कि हम उसमें विश्वास कर सकें. ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी.
Why is it considered to be the weak kind of evidence? Because it is not required to be given on oath. कन्फेशन को ओथ पे देने की जरूरत नहीं है एंड इट कैन नॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन. हम क्रॉस एग्जामिनेशन से उसे टेस्ट नहीं कर सकते कि जो ये एकम्प्लिस है या को अक्यूज्ड है जो स्टेटमेंट दे रहा है क्या वो सही है या गलत है. ओके इलस्ट्रेशन देखो सेक्शन नंबर 30 का. इट सेज ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी. इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी. ए ये खुद आके बोलता है बी ने और मैंने सी का मर्डर किया है. द कोर्ट मे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कन्फेशन एज अगेंस्ट बी. क्यों प्रूव करेगा या क्यों हम इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि वो खुद की और बी की दोनों की लाइबिलिटी स्टूडेंट्स बराबर बता रहा है. अंडरस्टूड? ऑप्शन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन बी विच सेज ए इज ऑन द ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी. देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी. अब यहाँ पर बी ने क्या बोला कि मैंने और ए ने दोनों ने मिलके सी का मर्डर किया है और एविडेंसेस भी ऐसे हैं जो ये शो करता है कि ए और बी दोनों ने उसका मर्डर किया है. जबकि ट्रायल पे कौन है? सिर्फ और सिर्फ ए इज ऑन द ट्रायल. द स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट बी एज बी इज नॉट बीइंग ट्राइड जॉइंटली. सो व्हाट इज द नेसेसिटी? जॉइंट ट्रायल इज द नेसेसिटी. एंड जॉइंट ट्रायल भी किसके लिए होना चाहिए स्टूडेंट? सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए. अंडरस्टूड? दोनों की लाइबिलिटी दैट इज जो कन्फेशन दे रहा है और जिसके अगेंस्ट दिया जा रहा है दैट इज को अक्यूज के अगेंस्ट, उन दोनों की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम एक्सटेंट तक होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन नंबर 30. दोनों का डिफरेंस समझेंगे दैट इज कन्फेशन एंड एडमिशन का डिफरेंस क्या है. सेल्फ हार्मिंग एंड सेल्फ सर्विंग. यस ओनली सेल्फ हार्मिंग कन्फेशंस आर एडमिसिबल, नॉट द सेल्फ सर्विंग वन. क्योंकि सेल्फ सर्विंग तो वैसे भी कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा क्या बताओ? क्योंकि हमेशा कन्फेशन ऑफ गिल्ट या एडमिशन ऑफ गिल्ट कैसा होता है? सेल्फ हार्मिंग होता है. कन्फेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट जो अक्यूज दे, या हम बोल सकते हैं एडमिशन विच द अक्यूज गिव्स, जहां पे वो डायरेक्ट एक्नॉलेज करता है किस चीज को? एज टू हिज गिल्ट विच इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ. जबकि एडमिशन में क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम देयर इज अ केस. जिस पर्सन के अगेंस्ट कुछ केस लगाया जा रहा है वो पर्सन यहाँ स्टेटमेंट देता है सिविल केसेस में, तो हम उसे एडमिशन कहते हैं. कन्फेशन का नेचर कैसा है? इट इज अ स्पीशी ऑफ एडमिशन. जबकि एडमिशन क्या है? जीनियस है. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगली लाइन में ही बोला गया ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस. देखो स्पीश जीनस ऊपर आता है नीचे स्पीशी आता है, तो ये हो गया एडमिशन और नीचे हो गया कन्फेशन. सो ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस. इनके सेक्शंस का है 24-30 कन्फेशन से डील करता है, एडमिशन में 17 से लेके 23 प्लस 31 जो कहता है एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होते हैं लेकिन दे ऑपरेट एज स्टॉपल. कंक्लूसिव प्रूफ कन्फेशन का कंक्लूसिव प्रूफ क्या है या एविडेंशियरी वैल्यू क्या है कन्फेशन का? इन्होंने बोला कि अगर कन्फेशन डेलिबरेट है, मतलब आपने चला के खुद से दिया है एंड वॉलंटरी है, किसके द्वारा दिया गया? अक्यूज के द्वारा. एडमिशन ऑफ अक्यूज ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम एंड शुड बी कंक्लूसिवली प्रूव्ड. जरूरी है कि कन्फेशन हमेशा डेलिबरेटली दिया जाना चाहिए, वॉलेंट्री दिया जाना चाहिए एंड इट शुड बी ड्यूली प्रूव्ड. जबकि एडमिशन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 31 बट इट मे ऑपरेट एज अ स्टॉपल. कन्फेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स कन्विक्शन हो सकता है क्या? आंसर इज येस. वेयर अ कन्फेशन कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट इट इज सेड टू बी कन्फेशन. एडमिशन के बेसिस पे कभी कन्विक्शन नहीं हो सकता स्टूडेंट, कन्फेशन के बेसिस पे हमेशा यहाँ पे कन्विक्शन हो सकता है, दोष सिद्धि हो सकती है. एडमिशन में क्या बोला? When some supplementary evidences is needed to authorize the conviction is an admission. Supplementary evidence बोलू या मैं बोलू corroborative evidences या circumstantial evidence जो supplement करे support करे हमारे admission को, तो हम उसे क्या करेंगे? Admissible मानेंगे या उसे relevant मानेंगे. Okay? Irrelevancy, confession irrelevant कब होता है? Admissions made on express condition that it is, sorry, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है? अगर confession हमने promise of secrecy, if confession obtained by promise of secrecy, it is not irrelevant under section number 25. ये irrelevant नहीं हो जाता, लेकिन irrelevant कहाँ होता है? 24, 25 and 26. यहाँ पे हमारा confession irrelevant हो जाता है. Admission का ये point इधर लिख दीजिएगा. एडमिशन कब इररिलेवेंट होता है स्टूडेंट्स? एडमिशन हमारे सेक्शन नंबर 23 में इररिलेवेंट हो जाता है, जहां पे कोर्ट को ये लगे कि पार्टीज एक्सप्रेस कंडीशन पे ये अपने बीच समझौता करके आई है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड वो एविडेंस नहीं देने वाले हैं,
तो उस केस में कोई भी स्टेटमेंट अगर पार्टीज देते हैं, हम उसे एज एन एडमिशन क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर है, बराबर. चलिए अब आगे चलेंगे हम होमवर्क के लिए. होमवर्क देखो क्या क्या है, 6 क्वेश्चंस हैं. जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन कीजिएगा, कोशिश कीजिए अपना आंसर प्रिपेयर रखें. व्हाट इज कन्फेशन, कन्फेशन होता क्या है, तो जो हमने डेफिनेशन बताई वो. डिस्कस जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड डिफरेंशिएट देम. हमने जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का डिफरेंस नहीं किया है, बट आप टेबल जरूर बनाइएगा. एंड इफ यू वॉन्ट मी टू चेक इट, तो डेफिनेटली यू कैन सेंड योर होमवर्क टू मी ऑन शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे शिवानी सोलंकी, वहाँ पे एक लिंक आपको पिन अप किया हुआ मिलेगा. लिंक पे क्लिक करेंगे, चैट बॉक्स विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, देयर यू विल सेंड योर होमवर्क. ग्रुप पे चैट नहीं ओपन है, यू वोंट बी एबल टू शेयर एनी मैसेज और पीडीएफ ओवर देयर. पर्सनली यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल चेक एंड रिवर्ट बैक टू यू ऑन द सेम वेरी सून. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन डज कन्फेशन बिकम्स अ रेलेवेंट. कन्फेशन रेलेवेंट कहाँ होता है स्टूडेंट्स, 26 में अगर मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दिया तो, एंड 27 में रेलेवेंट होता है, 29 में भी रेलेवेंट होता है, सेक्शन नंबर 30 में भी रेलेवेंट होता है. अंडरस्टूड? तो जहां जहां पे कन्फेशन हमारा रेलेवेंट है वो सारे सेक्शंस हमें मेंशन करने हैं. ओके, गुड मॉर्निंग सोना स्टेशनरीज एंड बुक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, कैन अ कन्फेशन बी मेड टू पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. अगर पुलिस ऑफिसर को हमने कन्फेशन दिया, कैन इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन? नो. 25 में क्या बोला, हम प्रूव नहीं कर सकते. 26 में भी प्रूव नहीं कर सकते, until and unless मैजिस्ट्रेट के सामने दे रखा है तो हम उसे प्रूव कर सकते, वरना हम प्रूव नहीं कर सकते. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो, मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन द लिटरल मीनिंग ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज. कन्फेशन क्या होता है इसका एक दो लाइन में मीनिंग जरूर बताना. ओके, ऑल्सो साइट द रीजन दैट वाई हम पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन प्रूव नहीं कर सकते. देर आर चांसेस ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और एनी सच अदर कोर्जन. क्वेश्चन नंबर 4, अक्यूज्ड व्हाइल ही वाज इन पुलिस लॉकअप एट पुलिस स्टेशन कन्फेस्ड टू अनदर अक्यूज्ड इन प्राइवेट टू हैव कमिटेड द क्राइम. इज दिस कन्फेशन रेलेवेंट? क्या ये कन्फेशन रेलेवेंट है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की आप एविडेंशरी वैल्यू भी लिखेंगे. क्लियर दैट इट इज वीक, एज वेल एज आपको यहाँ पे केस लॉ भी लिखना पड़ेगा. ओके, व्हाट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच इट इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल. तो यहाँ पे हमें इनायतुल्ला का केस, देवमन उपाध्याय का केस, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा दैट इट रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 27. कितनी इंफॉर्मेशन प्रूव हो सकती है? जितनी की डिस्कवर हुई है, प्रोवाइडेड कि वहां पे वो डिस्कवरी उसी कॉन्टेक्स्ट में हुई हो जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड. कौन से वो सिचुएशंस हैं जहां पे हम कन्फेशन को, ऐसा कन्फेशन जो को-अक्यूज्ड ने दिया है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं? सेक्शन नंबर 30. कब? जब को-अक्यूज्ड स्टेटमेंट दे, जॉइंट ट्रायल हो, सेम ऑफेंस हो, दोनों जो हमारा को-अक्यूज्ड है वो लायबिलिटी अपनी भी अक्यूज्ड के एक्सटेंट तक वहां पे एडमिट करें. ठीक है, मैंने मानशु जी टीम को बोला है, टीम जरा मुझे रिवर्ट बैक कर दे दैट वो क्लास कहाँ है, तो मैं आपको जरा वापस बता दूंगी. ठीक है निशान जी, बराबर क्वेश्चंस कीजिएगा, छोटे छोटे, इसमें बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे. आराम से यहाँ पे 300 to 400 से ज्यादा का आपका वर्ड्स का आंसर नहीं बनेगा सभी क्वेश्चंस में. ओके, क्लियर है? अगर सेशन पसंद आया हो तो क्लास ओवर होने के बाद बताएंगे. एंड नाउ वी विल मीट एट 10:30. नेक्स्ट 20 मिनट्स में वी विल मीट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस कंसेप्ट, पॉलिटी के कुछ कंसेप्ट आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे तीनों ऑर्गन्स की फंक्शंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ओम्बड्समैन. वी विल बी ऑल्सो कवरिंग 40-50 MCQs विद पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार जुडिशरी. ओके चलिए, तो सेशन को, हाँ जी बताइए निशान जी, और इन केस कई बार सेशन ओवर हो जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू पुट योर डाउट, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप. आल्सो मेक श्योर दैट यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, लॉ वाला टेलीग्राम ग्रुप, लॉ वाला PW लॉ वाला जुडिशरी, जहां पे आपको आने वाले क्लासेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. ठीक है मैम, इसे आप चेक कर सकते हैं, आप PDF बना के भेज दो, जहां मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ मिस्टेक्स है, सो आई विल सेंड यू द वॉइस नोट कि कहां कहां पे क्या क्या चीज आपको और एड ऑन करनी चाहिए, या आपके आंसर का सीक्वेंस या फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. ठीक है चलिए, थैंक यू कनुमिता जी.
मेक श्योर करें. कल यस कल होगी ममता जी, कल क्लास होगी, कल हम क्लास लेंगे और कल हम पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशन. ठीक है, क्लियर है. चलिए, सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड मैम. कैफ मैम आईपीसी पर एक लेक्चर बिकॉज आपकी. श्योर 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 आदि. देखो ये जैसे ही लॉ फाउंडेशन ओवर होता है आई बी वर्किंग ऑन सम ऑफ द वन शॉट्स विच बिकम्स इजी फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू रिविजन, विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग द नोट्स, विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टिंग द सेक्शंस एंड विद रिस्पेक्ट टू लास्ट मोमेंट रिविजन. लास्ट मोमेंट रिविजन बोल रही हूँ, स्टडी नहीं बोल रही हूँ. जिसने पढ़ रखा है उसके लिए ये वन शॉट अच्छा है, जिसने कभी पढ़ नहीं रखा उसको वन शॉट में नहीं समझ आएगा. ठीक है, तो एग्जाम से जब महीने भर पहले ये वन शॉट्स आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं, वरना पूरी पूरी क्लासेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम देख पाएं. ओके चलिए मैम, क्लैट के लिए आज कल आएगी अक्षत जी. क्लास होने वाली थी फ्राइडे को, बट ड्यू टू आपके कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से कुछ क्लासेस जो है क्लैट की उस दिन नहीं गई थी. सो आई विल बी कंडक्टिंग योर क्लैट लीगल रीजनिंग का लाइव क्लास कल शाम को 6 PM. ओके यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को भी मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के कुछ लीगल मैक्सिम्स PYQs के साथ ही वन शॉट में कवर करूँ. आज इसके एग्जाम हो सकता है नज़दीक आए तब, या फिर वी विल बी डूइंग इट इन जून, जून या जुलाई में, जुलाई फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि हम राजस्थान रेन कंट्रोल एक्ट एज वेल एज इंटरप्रिटेशन एक्ट को बहुत अच्छे से करें. ठीक है चलिए, सो दैट वॉज ऑल इन टूडेज सेशन एंड आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉय दिस सेशन. नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन थैंक यू सो मच.